अगर आप लोग IDC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने सिर्फ प्लानिंग ही की है, इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो डेफिनेटली मैं आपको कहता हूं कि IDC के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर लो, क्योंकि IDC के बिजनेस का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो काफी ज्यादा यूनिक है और यहां पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे, इस कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे और इस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी की वैल्यूएशन करंट लेवल पर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब कंपनी को जिस हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है उस हिसाब से कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज्यादा फेयर है। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो करंटली बहुत कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिर चुकी हैं और वहां पर रिकवरी का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और अगर उन गिरते हुए कंपनीज के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो यहां पर फंडामेंटल्स काफी ज्यादा डिसबैलेंस है, लेकिन IDC के शेयर्स के फंडामेंटल्स के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो और मार्केट के जितने भी रिसर्च एनालिस्ट है ये कहते हैं कि IDC के शेयर्स की प्राइस जिस तरीके से ग्रो कर रही है ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाले टाइम पीरियड में IDC के शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा ग्रो करेगी और इसके इन्वेस्टर्स को डबल डिजिट में प्रॉफिट कमाने को मिलेंगे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, इसके पीछे के रीजन क्या है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि IDC के शेयर्स की प्राइस के ऊपर जाने के पीछे का रीजन क्या होगा। नंबर वन रीजन यह है कि अगर आप IDC के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो पिछले काफी क्वार्टर से IDC के शेयर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, यहाँ पर इसके बिजनेस में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ आई है। और अगर कंपनी के शेयर्स की बात की जाए तो कंपनी के शेयर्स की प्राइस जो है वो 200 रुपीज से लेकर 350 रुपीज तक भी पहुंच चुकी है। एक टाइम था जब IDC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले को लोग पागल समझते थे, लोग कहते थे कि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस तो ग्रो करेगी ही नहीं, ये कंपनी 200 रुपीज के लेवल पर ही ट्रेड करती थी, लेकिन अचानक से इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस ने 350 तक के लेवल को टच कर दिया था। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर COVID-19 पैंडेमिक के बाद से देखेंगे तो COVID-19 पैंडेमिक के बाद से IDC ने अपने बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, और कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पर कंपनी को जो लॉसेस हुए थे यहाँ पर भी काफी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। IDC का बिजनेस करंटली बहुत सारे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है, नॉन FMCG प्रोडक्ट्स, FMCG प्रोडक्ट्स, होटल इंडस्ट्रीज, और IDC का मेजर बिजनेस फैला हुआ है पेपर बोर्ड, पेपर और पैकेजिंग में, मतलब PPP सेगमेंट में। और वहीं पर अगर मैं टैक्सेस की बात करूं तो पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेस बढ़ाती जा रही थी, और जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेस बढ़ाती है तो IDC के सिगरेट बिजनेस पर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि IDC का जो मेजर रेवेन्यू है वो सिगरेट्स के ही आता है, और यहाँ पर सिगरेट्स के प्रॉफिट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा टैक्स कलेक्शन करती थी। लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फाइनेंस बिल 2023 पास किया है तो यहाँ पर टोबैको प्रोडक्ट्स को लेकर कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं, और इस चीज का अल्टीमेट बेनिफिट भी IDC को हुआ है। बेसिकली हर बार क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस बिल लेकर आती है तब यहाँ पर टोबैको प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ ना कुछ टैक्सेस में चेंज किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा ना होने की वजह से कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और आने वाले टाइम पीरियड में ग्रोथ जो है वो स्टेडी दिखाई देगी। और शेयर खान की रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी की अर्निंग ग्रोथ जो है वो 15% से होगी, मतलब कंपनी की जो अर्निंग ग्रोथ है वो आने वाले क्वार्टर्स में 15% से इंक्रीज हो सकती है। और इसी तरीके से IDC के रेवेन्यू की ग्रोथ होती गई, IDC के प्रॉफिट इसी तरीके से इंक्रीज होते गए, तो IDC के शेयर्स की प्राइस 400 के लेवल तक भी बहुत जल्दी टच करेगी। और वहीं पर मार्केट के बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट ये कहते हैं कि IDC के शेयर्स की प्राइस 450 तक जा सकती है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि IDC के शेयर्स की प्राइस अगर 400 तक भी चली गई तो बहुत बड़ी बात है, और डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि IDC के शेयर्स की प्राइस 450 तक के लेवल को टच नहीं करेगी, कर भी सकती है लेकिन इसे टाइम लगेगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। IDC एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को लगातार डिविडेंड दिए हैं, और अगर मैं May 2023 की बात करूं और वहीं पर अगर मैं IDC के डिविडेंड की बात करूं तो May 2022 में IDC ने अपने इन्वेस्टर्स को 6.25 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड पे किया था। इसके अलावा कंपनी ने February 2023 में भी डिविडेंड दिया था, वो भी 6 रुपीज पर शेयर का, और वहीं पर IDC का जो डिविडेंड यील्ड है वो निकल कर आता है 3.23% का। अगर आप IDC के फंडामेंटल्स को भी ऑब्जर्व करेंगे तो IDC के फंडामेंटल्स आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर दिखाई देंगे, तो डेफिनेटली अभी आप IDC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और IDC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए YouTube, Facebook और Instagram के चैनल को फॉलो करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।